रुक जाइए। रुक जाए, अभी तो खेल प्रारंभ हुआ। तो मित्रों, आगे की कथा तो जानते ही हो। पिताश्री ने तमासुर को कैसे बांधा था, कैसे विवश किया था। सुर को वैसे ही घसीटा जाएगा जैसे पिता महाराज ने किया था। यदि खेल अच्छा नहीं लग रहा तो छोड़ सकते हो शनि। जो प्रारंभ हुआ है उसे परिणाम तक पहुंचाना आवश्यक होता है। मेरी विनती है, रुक जाइए, ये खेल समाप्त कर दीजिए। मान जाओ, जाओ यहाँ से। क्या हुआ काकुल? माता वो शनि। लौट जाओ पाताल तमासुर। खेल अधूरा रहा परंतु सीख पूरी ले लेना। तुम हम में से एक नहीं, तुम एक कुरूप असुर हो। फिर कभी मुझे अपना भाई मत कहना। और हाँ, तुम्हारा स्थान सूर्य लोक में नहीं। लौट जाओ तुम उसी अंधकार वन में जहां से तुम आए हो। यम, क्या है ये सब? कैसा खेल है ये? अपने भाई के साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है? और ये बांधा हुआ क्यों है इसे? हाँ, क्या यही सिखाया मैंने तुम दोनों को? नहीं माता, ये सब मेरी इच्छा से हो रहा है। ये सब बस एक खेल है। तो क्या काकोल असत्य कह रहा है? काकोल ने वो कहा जो उसकी दृष्टि में सत्य था, और जो मैं कह रहा हूं
वो मेरे दृष्टिकोण से सत्य है। खेल खेलना है तो नियमों का तो पालन करना ही होता है ना माता। बहुत हुआ ये खेल, चलो अपने अपने कक्ष में सब। औषधि आवश्यकता थी ये सब करने की पुत्र, वो तुम्हें असुर असुर करके चिढ़ा रहे थे और तुम? माता, वो सब मुझे नकली असुर बनाने का प्रयास कर रहे थे और मैं एक सच्चा पुत्र बनने का। मैंने आपको वचन दिया था ना कि मैं प्रयास करूंगा और ये एक प्रयास ही था। नहीं माता, वो सब कह रहे थे कि शनि असुरों की भांति काला है, कुरूप है। परंतु माता, एक बात बताइए, जब आप गौर हैं, सूर्यदेव गौर हैं, तो शनि का रूप ऐसा क्यों? कैसे बताऊं पुत्र कि तुम संज्ञा के नहीं मेरे पुत्र हो, संज्ञा की छाया के पुत्र हो और मेरे कारण ही तुम्हारा वर्ण सांवला है। माता, काकोल की बातों पर ध्यान मत दीजिएगा। इसके मन में जो भी आता है कह देता है। देवी संज्ञा की जय हो। देव विश्वकर्मा सूर्यलोक पधारे हैं। उनका स्वागत करो, मैं आती हूँ। माता, देव विश्वकर्मा कौन है? तुम्हारे नाना श्री हैं पुत्र। तो उनके आने से आप चिंतित क्यों दिख रही हैं? पिता सूर्यदेव और देव विश्वकर्मा नाना, एक ही दिन में कितने रहस्य खुलेंगे तुम्हारे मित्र शनि? देव विश्वकर्मा वही है ना, देवों के प्रमुख शिल्पी और वैज्ञानिक? हाँ वही है। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ माता? कदाचित वो तुमसे ही मिलने आए हैं पुत्र। मैं जाकर उनका सत्कार करती हूँ, तुम स्नान करके आ जाओ। मैं भी स्नान करने चलता हूँ, चलो मित्र शनि। कैसे सामना करूं उनका, कभी उनसे मिली नहीं। कहीं वो पहचान गए, ये सत्य जान गए कि मैं संज्ञा नहीं देवी संज्ञा की छाया हूं, तो क्या होगा? देवी संज्ञा
इतनी बड़ी बात आपने मुझसे छिपाई सूर्यदेव, क्यों? ससुर भी तो पिता के समान होता है, पिता के साथ इतना बड़ा छल, वो क्या कहूं मैं आपसे? आश्चर्य तो अपनी पुत्री पर हो रहा है जिसने इतना बड़ा सत्य मुझसे छिपाया। प्रणिपात पिताश्री, कौन हो तुम? तुम मेरी पुत्री नहीं हो सकती। देव वो मैं सूर्यदेव, एक पिता अपनी पुत्री से बात कर रहा है। प्रणिपात देव विश्वकर्मा,